जहन गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रखी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल रात 9 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आए थे और आप में से बहुत सारे लोग जुड़े थे और आप लोगों को शुक्रिया जो इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाला। तो फिर दोस्तों, वहाँ पर ना एक कमेंट आया था, बहुत ही हृदय विदारक कमेंट था, बहुत ही हार्ट टचिंग कमेंट था और बहुत ही इमोशनल कमेंट था। और एक भैया ने कमेंट करा था कि अभी तक जितने भी सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं जाके लास्ट में मेरा मेरिट नहीं बन पाया, या मैं फिजिकल में डिसक्वालीफाइड हो गया, या कभी रिटर्न ही नहीं निकला और अभी तक मैं किसी भी एग्ज़ाम ये मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ अंदर से और मेरे सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। इतना हार्ट टचिंग कमेंट था ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे सुन के मतलब आंखों में आंसू आ गए। पता है, एक बात बताना चाहेंगे कि जो लोग सोचते हैं ना सुसाइड करने की, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुसाइड शब्द जुबान पे लाना ही नहीं चाहिए यार। जिस खुदा ने जन्म दिया है ना, जिस माँ पापा ने जन्म दिया, उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ना हमारे लिए। हम सुसाइड क्यों करेंगे, है ना? जिन्होंने हमको जाना है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। हम क्यों सुसाइड करेंगे बताओ? नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सुसाइड करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चले जाओगे सुसाइड करने के बाद, लेकिन आपके पीछे पूरी फैमिली, मम्मी पापा, सोचो उन पे क्या बीतेगा कि उनका जवान बच्चा, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, मैं सबके लिए बता रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, उन सब लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप लोग तो चले जाओगे ना, आपके मम्मी पापा के बारे में सोचो ना, उन पे क्या बीतेगा जिनका जवान बच्चा उनसे दूर हो जाएगा किसी कारण बस, और उन पे क्या गुजरेगी, उनके बारे में सोचो आप लोग। और ऐसा कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लिया करो, क्योंकि कितना इतना दुख हुआ ना जो बता नहीं सकते हैं। और ऐसा मत सोचो मेरे भाई, जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो हम लोग बस जन्म लिए हैं, अभी तो बहुत चीज़ करना बाकी है ज़िंदगी में। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और आप एक भी ऐसा इंसान बता दो जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया हो और जिन्होंने तुरंत में सब, पता है रेयर केस में ऐसा होता है जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको जो नौकरी मिल जाती है, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करनी होती है और कोई सा भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिन्होंने बिना मेहनत किए सफलता पा ली होगी। मेहनत करना पड़ता है भाई, बहुत ही स्ट्रगल है ज़िंदगी में। ऐसा सोचने से कुछ, हाँ, लग तो है ही। देखो, पहले मेहनत करेंगे तब तो लक के भरोसे बैठेंगे ना यार, कि पहले फॉर्म भरा ही नहीं, बस सोच लेंगे कि लक रहेगा तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बस मेहनत करना है और लक भी साथ देगा। और आप लोग ऐसा कभी मत सोचना सुसाइड वगैरह के बारे में, ये बहुत ही ख़राब बात है। और अपने फैमिली के बारे में देखो ना, अपने मम्मी पापा के बारे में देखो, किसी के बारे में नहीं सोचना, बस मम्मी पापा के बारे में सोचना है जो जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया। और उनको हम गिफ्ट में क्या देंगे, मौत देंगे अपनी, हमारा मरा हुआ मुँह देखेंगे वो। इसलिए सुसाइड मत करना मेरे भाई, स्ट्रगल करो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बस स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। और अभी SSC GD के रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि SSC GD के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और उसका कट ऑफ इतना हाई गया ना, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इतना हाई कट ऑफ। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने भी देखे थे, जो कट ऑफ इतना जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया ना कि बता ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चला गया SSC GD का। तो बताओ, बहुत लाखों बच्चे डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, कुछ अंक से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, पॉइंट से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तो वो क्या जाके सुसाइड करेंगे? ऐसा नहीं है, GD नहीं हुआ, RPF होगा। पता है इस ईयर कितने सारे वैकेंसी आने वाले हैं, RPF का, फिर दिल्ली पुलिस का, फिर बिहार दरोगा, बिहार SI, डायलेक्स 112, CGL का आया हुआ है अभी। आप अगर 12th में हो या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, ग्रेजुएट नहीं हो, तो फिर RPF वगैरह का वेट करो। दिल्ली कांस्टेबल आ रहा है, दिल्ली कांस्टेबल से अच्छा कौन सी जॉब है बताओ, कितना अच्छा। 12th बेसिस पे सबसे हार्ड जॉब है, एकदम तगड़ी सी जॉब है और इतना अच्छा जॉब है। आप अभी इसे परेशान ना हो, जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त।
अभी तो शुरुआत है और हर चीज़ में फॉर्म डालते रहो, किसी न किसी चीज़ में ज़रूर हो जाएगा। और कोशिश करते रहो, अच्छे से मेहनत भी करते रहो। और अभी तो दे इतने सारे फॉर्म आने वाले हैं, इसमें नहीं होगा उसमें होगा, उसमें नहीं होगा उसमें होगा, जिदी में नहीं होगा आरपीएफ में होगा, आरपीएफ में नहीं होगा कांस्टेबल दिल्ली कांस्टेबल में होगा, उसमें नहीं होगा बिहार कांस्टेबल में होगा। किसी न किसी चीज़ में तो जॉब होना ही है। हाँ, अगर जॉब मिलेगी, अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे तब, रेगुलर आप फॉर्म फिल करते रहोगे तब। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने जीडी का एग्ज़ाम देके छोड़ दिया, नहीं हुआ फिर मैंने वे चेंज कर लिया, फिर मैं कमाने चले गए और फिर उधर ही रह गए, फिर बोलेंगे कि जॉब ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार डिस्क्वालीफाइड हुए दोबारा देंगे, दोबारा हुए तिबारा देंगे, लेकिन देते रहेंगे जब तक कि जॉब ना हो जाए। और सुसाइड वगैरह की बात तो ये तो फिजूल की बात है, ये तो बोलते हैं ना दिमागी उपज है, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। सुसाइड वगैरह कायर लोग करते हैं यार, अपन तो ये स्ट्रगल करने वाले हैं और बचपन से आज तक हम लोग ये स्ट्रगल ही करते हैं। और तो इसीलिए आप लोग सुसाइड वगैरह तो एकदम फिजूल की बात है, मेहनत करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल करने में जो मज़ा आया ना, वो कहीं कुछ भी नहीं है। आप सुसाइड कर लोगे एक सेकंड में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके पीछे मम्मी पापा भी तो है, आपके फैमिली भी तो है, उनको कैसा लगेगा। इसलिए अपने मम्मी पापा के बारे में कम से कम सोचो यार, दुनिया को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप चले जाओगे किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बस दो दिन रोना धोना स्टेटस चेप देंगे, बाकी कुछ नहीं। हाँ, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, इसलिए आप लोग ऐसा कभी सोचो ही मत। और अच्छे से मेहनत करो, स्ट्रगल करो और आराम से आप लोग जॉब पाओ। और हम अपनी बात बताते हैं तो दोस्तों, ये ख्याल लगभग सब बच्चे के मन में आते हैं, जो मतलब बच्चे क्या बोले, सब कैंडिडेट बोल सकते हैं या अभ्यर्थी बोल सकते हैं, ये सब लोगों के मन में आता है जो लोग दुनिया से थक गए होते हैं। और लाजमी सी बात है, मेरे मन में भी आया ही होगा कभी ना कभी। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा और मुझे जॉब मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। मैंने 5 साल मेहनत किया और बता नहीं सकते हैं आप लोगों को कितना मेहनत किया था मैंने, और तब जाके मुझे मिली। मैं हर बार किसी न किसी चीज़ में छट जाया करती थी, हर बार किसी न किसी चीज़ में छट जाना। ये मेरा बिहार पुलिस का दूसरा अटैम्प्ट था और फिर दूसरी बार ये मैंने क्वालिफाई किया। और फिर मैं आरपीएफ में भी छटी और एसएससी जीडी के फिजिकल में छट गई। मुझे मेरा फिजिकल थोड़ा सा वीक था और मैं फिजिकल में छट गई थी और चंद सेकेंड्स छटी थी, अभी भी याद है मुझे। और बताओ, उस टाइम मेरा ना लगा कि ना एकदम सब कुछ लूट गया, कुछ है ही नहीं, मेरे सपने चकनाचूर हो गए। और उस टाइम ना 4 साल पे एसएससी जीडी का वैकेंसी आता था, तो मैंने सोचा अब तो 4 साल बाद आएगा, फिर मेरी एज भी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि 23 ईयर्स होते हैं उसमें और मैक्सिमम। और उसके बाद तो फिर मैंने सोचा ना अब मेरा जर्नी ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने हमेशा से जीरी मतलब सेंट्रल के बारे में ही सोचा था और मेरा सपना वहाँ पे चकनाचूर हो गया था जब मैं एक सेकंड से डिस्क्वालीफाइड की थी। और मेरा पैर फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचा और टाइम ख़त्म हो गया, मतलब पैर ऊपर ही रह गया और टाइम समाप्त हो गया, और फिर मेरा हो नहीं पाया और एकदम मैं बहुत रोई, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। और फिर मैंने क्या किया ना, जो वहाँ से जब मेरा फारबिसगंज में दौर हुआ था एसएससी जीडी का, तो फिर मैं वहाँ से जब आ रही थी तो फिर ये अपने घर के पास बुक सेंटर पे उतर के, और फिर मैंने रीजनिंग का बुक लिया और मैथ्स का बुक लिया और एक लूसेंट लिया, और फिर मैं बहुत ही अच्छा से पढ़ना चालू की, जो फिर से तैयारी करूँगी, फिर से एग्ज़ाम दूँगी। अगर मैं सोच लेती तो मेरा मतलब वहीं पर जर्नी ख़त्म हो जाता। मैंने भी सोचा था उस टाइप का जो कुछ कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अरे इतने बड़े हो गए अब मतलब अब टाइम है ना कि मैं कुछ करूँ अपने फैमिली के लिए। तो अब सुसाइड ऐसा नहीं था कि सुसाइड ही कर लूँ कुछ ना करूँ, तो ऐसा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि हाँ कुछ तो ज़रूर करेंगे, नहीं कुछ तो प्राइवेट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि सरकारी में ही रखा है, प्राइवेट करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे, लेकिन सुसाइड कभी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी और फिर उसके बाद भी मैं डिस्क्वालीफाइड हुई, और उसके बाद अंत में बिहार पुलिस ज्वाइन करा मैंने और बिहार पुलिस में जॉब लग गई मुझे। और ऐसी थी हमारी जर्नी। तो आप लोग भी कमज़ोर ना बने और एकदम अपने मुश्किल समय सबके आप किसी से भी पूछोगे ना, भाई तुम्हारे पास कोई टेंशन है, तो वो बोलेंगे हाँ सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जरूर टेंशन होती है, बस मुश्किल से बाहर निकलना है और एकदम स्ट्रगल कीजिए और आराम से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम्स वगैरह का बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम में शामिल होना, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आराम से।
बुक्स पर ये बुक्स नहीं हो पाता तो यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे तो खजाना ही, मतलब यूट्यूब यूनिवर्सिटी बन चुका है, इसलिए वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा और जाके आप अपना यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे करंट अफेयर वगैरह आता है, जीके, जिस हर चीज़ तो मिल ही जाता है, रीजनिंग सीखना वो भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाता है, इसलिए यूट्यूब का भी सहारा लीजिए और बुक्स पढ़ते रहिए हमेशा। और जितना भी नेगेटिव थॉट है ना उसको हटा दीजिए सबको, और अच्छे से तैयारी कीजिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल हो और आप लोगों को सक्सेस मिले, और सुसाइड वगैरह का बात को इग्नोर कर अपनी लाइफ, हैप्पी हैप्पी लाइफ अपना जिए आप लोग। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।